हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं एक राजा से। जी हां दोस्तों, हो सकता है आप पीछे का दृश्य देख करके समझ भी गए होंगे कि मैं किस राजा की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, इस समय मैं बात कर रहा हूं फलों के राजा के विषय में। तो दोस्तों, आज मैं मिलाऊंगा विभिन्न प्रकार के, विभिन्न वेराइटी के फलों से मिलाऊंगा, जिसे हम लोग आम के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, आप जानते हैं आम को वो फलों का राजा कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं फलों के राजा को। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, यहां पूरा आपको आम ही आम आपको नज़र आएगा पूरा इस एरिया में। काफ़ी बड़ा एरिया है दोस्तों, ये नर्सरी है और यहाँ पूरा आम लगा हुआ है। विभिन्न वेराइटी के आम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और मीठा आम यहाँ मिलेगा। जितने भी आम मिलेंगे बहुत ही गूदेदार और मीठा आम मिलेगा दोस्तों। आप इस फलों का साइज़ को आप देख सकते हैं किस तरह से फला हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये रहा आम, कितना बढ़िया फला हुआ है। अभी बहुत कुछ फल इसमें का टूट चुका और बाज़ार में बिक भी गया, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ बाकी है दोस्तों। तो ये केंद्रीय नर्सरी है दोस्तों। इस तरह से खूबसूरत गार्डन तैयार किया गया है, आप देख सकते हैं। बीच में एकदम बढ़िया सड़क है और जिसमें आप आराम से जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और आप यहां का नज़ारा का भी आनंद ले सकते हैं। आप इधर देख सकते हैं, बगल में एक कस्तूरबा स्कूल यहां पर बना हुआ है। और ये देखिए, यहां का नज़ारा देखिए, कितना बड़ा ये विशाल यहाँ आम का बगीचा है दोस्तों। आप देख सकते हैं, बहुत काफ़ी बड़ा बगीचा है। आप देखिए, इधर भी देखिए। और इसमें ख़ास बात यह है दोस्तों, इसमें विभिन्न वेराइटी के आम लगे हुए हैं। मैं कुछ देर बाद इस गार्डन के चौकीदार से मिलूँगा और उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कौन कौन सा वेराइटी का आम है। तो देख सकते हैं दोस्तों, कितना बड़ा बड़ा साइज़ का आम है ये। लगभग एक ही आम लगता है, आधा आधा किलो का होगा कुछ आम, तो इसमें का कुछ आम छोटा है और ये भी काफ़ी स्वादिष्ट आम है ऐसा लग रहा है। इस पेड़ का आम को देखिए, ये कितना बढ़िया ये दिखाई दे रहा है। ये आम बहुत ही खूबसूरत है, सुंदर है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों। आप इस आम को जो है खा सकते हैं, यहाँ करके आप ख़रीद सकते हैं, क्योंकि यह आम जो है बेचा जाता है। ये देखिए, यहाँ पर आम का पूरा गुच्छा इस तरह से लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है आम। ये देखिए आम, ये आम है। ये कौन सा वेराइटी का है मुझे नहीं पता दोस्तों। अब यहाँ गार्डन का चौकीदार जब आएगा तो बताएगा कि कौन सा वेराइटी का आम है। और भी आम मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, जो काफ़ी बड़े बड़े साइज़ में आपको मिलेंगे यहाँ पर। और मेरे ख्याल से बिक्री शुरू हो चुका है, जैसा कि उन्होंने बताया कुछ पेड़ का फल जो है वो ख़त्म भी हो गया, बिक्री हो चुका। इसमें का आम को देखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी बड़ा बड़ा साइज़ का आम है, पूरा इसमें लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ऐसा। इसमें देखिए इतना बड़ा बड़ा आम है, ये देखिए। तो दोस्तों, ये है फलों का राजा। आपने सुना होगा लंगड़ा आम, तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ लंगड़ा आम का पेड़ और ये किस तरह से फलता है उसे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए कैसे फला हुआ है, तो पूरा गुच्छा गुच्छा में फला हुआ है और काफ़ी बड़ा बड़ा साइज़ में है। आप मार्केट में भी देखते होंगे लंगड़ा आम के नाम से जो बिकता है वो काफ़ी बड़ा बड़ा साइज़ में रहता है। उधर भी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा बड़ा साइज़ में, और ऊपर देखिए वो पका हुआ आम भी दिख रहा है। मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए पूरा पका हुआ आम है उसमें। और ये देखिए, इसमें बिल्कुल ये तैयार आम है। अब कुछ ही दिन बाद जो है आम टूट जाएगा, तोड़ेंगे फिर ये बाज़ार में चला जाएगा। तो ये दोस्तों, ये आसपास में जितने भी पेड़ लगे हुए हैं, ये इधर भी है, ये सब पूरे लंगड़ा आम है, पूरा लंगड़ा आम है आसपास में। ये पेड़ भी लंगड़े आम का ही पेड़ है, ये भी लंगड़ा आम है। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ खुशबू आ रहा है आम का, बहुत सुंदर मीठा मीठा खुशबू आ रहा है। और एक और आम देखते हैं दोस्तों, इधर आइए थोड़ा बताइएगा। इधर देखते हैं एक आम, देखिए एक अलग क्वालिटी का आम है ये वाला पेड़। ये कौन सा आम है, ये वाला दूसरा नाम लिए थे ना, कि आगे वाला को बताए,
ये वाला लेकिन फल नहीं है, लेकिन फल नहीं दिख रहा है, फल नहीं दिख रहा है और एक तो खाली फूल दिख रहा है। तो दोस्तों हम लोग दूसरे क्वालिटी का आम की ओर बढ़ रहे हैं, मैं बताऊंगा यहाँ कौन सा क्वालिटी का आम और है। तो दोस्तों ये एक आम है जिसे अम्रपाली आम है, ये लंगड़ेच है। अच्छा, ये भी लंगड़ा आम बता रहे हैं, मैं पहचानता नहीं हूँ कौन सा क्वालिटी का आम है। और ये यहाँ के कर्मचारी हैं, काम करते हैं, इसलिए इन्हें पता है कौन सा आम कौन सा क्वालिटी का है। इधर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये नर्सरी है और इसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ के पौधे तैयार किए हुए हैं, जैसे कि मैं सामने देख रहा हूँ लीची का है और इधर आम का है, और आम के अलावा भी यहाँ पर बहुत कुछ पेड़ पौधे मिल जाते हैं जिसको यहाँ पर लगाया गया है। दोस्तों काफ़ी सुंदर खूबसूरत हरा भरा यहाँ का नज़ारा, घूमने में काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर आम तो मैं दिखाया दोस्तों, इसके बाद भी मैं आपको और भी आम दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर आम के कितने बड़े बड़े पौधे हैं, यहाँ बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये अब बिक्री के लिए बरसात में तैयार है, अगर किसी को लगाना है तो आप नर्सरी आ सकते हैं और यहाँ से आप पौधे ले सकते हैं। और महज 40 रुपये में आपको एक पौधा यहाँ मिल जाता है, और वो भी अच्छे क्वालिटी का पौधा, जिसे लगाने के बाद आप कभी पछताएंगे नहीं, वो बहुत अच्छा फल देगा। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं नर्सरी आकर के आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ से लीजिए, कुछ भी पौधा लेना है। बाज़ार से जो लेते हैं वो समझ में नहीं आता है, उसका क्वालिटी सही है गलत है, कौन सा क्वालिटी है कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पर आएंगे तो आपको बिल्कुल आपको समझा करके दिया जाएगा कि कौन सा आम कौन क्वालिटी का है। और लीची भी आपको यहाँ पर, कौन सा क्वालिटी का लीची चाहिए तो लीची भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये लीची का पौधा है, पेड़ है दोस्तों, अभी इसमें फल नहीं है, मेरे ख्याल से फल टूट चुका है इसका, ख़त्म हो गया है। और इधर आप देखेंगे तो पूरा बीही ही बीही नज़र आएगी, इधर पूरा बीही का पेड़ इधर लगा हुआ है, ये बीही का बगान है, ये इसमें अभी फल शुरू हो रहे हैं, ये देख सकते हैं फल अभी इसमें लग रहा है, ये छोटा छोटा अभी फला हुआ है और अब इसको बढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन है खूबसूरत ये बगीचा, ये पूरा बीही का बगीचा है, ये पूरा अंदर तक आप देखेंगे तो बीही ही बीही नज़र आएगा। इस तरह से दोस्तों ये नर्सरी बहुत ही खूबसूरत यहाँ लग रहा है, घूमने में अच्छा लग रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा है आज का, कुछ देर पहले पानी गिरने का मौसम था लेकिन पानी गिरा नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा यहाँ का बगान लग रहा है, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरह से दोस्तों ये बहुत सुंदर नर्सरी है, केंद्रीय नर्सरी है दोस्तों, ये राजीव गांधी उद्यान के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत है, सुंदर है। तो दोस्तों मैंने आपको ये इधर का नर्सरी का दिखाया, आम जामुन और लीची कई प्रकार के पौधे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ देखिए दोस्तों इसमें कितना अच्छा फल लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा फल लगा हुआ है इसमें, बहुत घना लगा हुआ है, फिर भी मेरे को लोग बताए कि इसमें का फल भी कुछ जो है टूट गया। और इधर भी आप देख सकते हैं कितना आम लगा हुआ है इसमें, तो काफ़ी बड़ा बगीचा है दोस्तों, इसमें आपको विभिन्न प्रकार का आम यहाँ पर मिलेगा और हर आम का टेस्ट आपको अलग अलग मिलेगा, हालांकि हर आम का नाम भी अलग अलग है, मुझे नहीं पता है क्या क्या नाम है इसका, लेकिन है आम जो है अलग अलग क्वालिटी का आम है, हर पेड़ अलग अलग क्वालिटी का है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए फलदार पौधे उत्पादन वर्ष अमरूद 10,000 लगाया गया है, सीताफल 10,000, मुनगा 20,000, पपीता 20,000, कटहल 20,000, इस तरह से जो है बहुत सारा चीज़ इसमें इतना चीज़ लगाया गया है जिसे आप यहाँ पर आकर के खरीद सकते हैं। दोस्तों जो आम आप देख रहे हैं ये चौसा आम है, इसे चौसा आम के नाम से जाना जाता है, जो काफ़ी स्वादिष्ट होता है दोस्तों ये आम, और ये भी चौसा है दोस्तों, ये सामने में लगा हुआ है आपको दिखा रहा हूँ, ये भी चौसा है, यहाँ पर दो बड़े बड़े पेड़ हैं, तीन बल्कि बड़े बड़े पेड़ हैं चौसा आम के यहाँ पर, और बीच का तो लंगड़ा है, ये भी अच्छा बीच का लंगड़ा है, ये फला वाला लंगड़ा है, मैं आ रहा हूँ एक मिनट। अच्छा ठीक, और ये सामने में लंगड़ा आम है दोस्तों, ये जो फला है ना, हाँ हाँ, लंगड़ा
दोस्तों इस समय इस बगीचा के चौकीदार के साथ में हम लोग खड़े हैं, तो सबसे पहले मैं उनका नाम जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। संतर राम। संतर राम जी, कितने साल से काम कर रहे हैं? 20 साल हो जा रहे हैं, 21 21 साल हो जा रहे हैं, तो आपको काफ़ी जानकारी है। ये सामने मुझे आम दिखाई दे रहा है, ये कौन सा क्वालिटी का आम है जी? फला हुआ दिख रहा है, ये लंगड़ा है सर, लंगड़ा। ये लंगड़ा आम है जी। ये देखिए दोस्तों, ये लंगड़ा आम है, कितना बड़ा बड़ा है और कितना घना है इसका फल लगा हुआ है। आप समझ सकते हैं, पूरा पेड़ में आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना ज़बरदस्त फल लगा हुआ है। जबकि इस साल जो है आम नहीं के बराबर है, बहुत कम फला हुआ है। बाज़ार में भी बहुत ही कम आम मिल रहा है, लेकिन यहाँ देखें कितना घना ये फल जो है लगा हुआ है। दोस्तों ये है दशहरी आम। दशहरी आम तो आपने खाया होगा, दशहरी आम बहुत ही मीठा आम, इसे चूस करके लोग खाते हैं, काट के बहुत कम लोग खाते हैं, इसे चूस के खाया जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट होता है दशहरी आम। ये देख सकते हैं कितना मस्त फला हुआ है, पूरा घना है। ये इधर आगे भी और पेड़ है, उधर भी फला हुआ है। दोस्तों ये है मल्लिका, आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा बड़ा फल है ये। आपने सुना होगा बाज़ार में मल्लिका आम करके, आप देख सकते हैं छोटा सा पेड़ है, लेकिन ये फला बहुत ज़ोरदार है, बहुत ही सुंदर फल दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी पका नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन पकने का समय हो गया है लगता है। इसके चारों तरफ फल लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं इधर, ये पूरा फल आपको दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। और इन फलों के रखवाले आप हैं, क्या नाम बताए थे आपका, भूला गया? संतर राम। संतर राम जी इसका रखवाली करते हैं, पूरे बगीचा का देखभाल करते हैं, और बगीचा का साफ सफाई को देखने से लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये कौन सा क्वालिटी का आम है ये वाला? दशहरी। ये दशहरी आम है दोस्तों, ये भी अब बिल्कुल ये पकने के कगार में है, पीला पीला हो चुका है, बल्कि कुछ पक भी रहा होगा, गिरा भी होगा। तो दोस्तों ये तो बहुत ही सुंदर बगीचा है। और ये कौन सा है, छोटा सा पेड़ है ये? ये भी दशहरी। ये दशहरी पेड़ है दोस्तों, बिल्कुल छोटा सा पेड़ है, आपको नीचे से दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए छोटा सा पेड़ है। ये कितने साल में लगाने के बाद कितने साल में फलना शुरू किया? ये तेल तो पेड़ बनना चाहिए सर, लेकिन इतना बड़ा होगा हाँ तो फल चालू हो जाए, शुरू हो जाता है। अच्छा, धीरे पेड़ बढ़ेगा उतना तो वो फलते जाएगा, बढ़ेगा। तो दोस्तों आपको मैं विभिन्न प्रकार के विभिन्न क्वालिटी का आम को दिखाया। और ये कौन सा क्वालिटी का है ये वाला? मल्लिका। ये मल्लिका है दोस्तों, मल्लिका मैं पहले भी आपको दिखाया। और इस तरह से इधर और कई क्वालिटी के आम है दोस्तों, मैं सभी को तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन जो खास खास है मैं आपको दिखा दिया हूँ दोस्तों। दोस्तों ये देखिए आम्रपाली है, ये आम्रपाली नाम से इसे जाना जाता है। आप मार्केट में आम्रपाली आम खरीदे होंगे, आप खाए भी होंगे दोस्तों। तो इस तरह से आम्रपाली है, काफ़ी स्वादिष्ट आम है ये, और इसीलिए जो है आम को फलों का राजा कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही मीठा होता है और लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। विटामिन प्रोटीन सबसे भरपूर होता है इसका फल दोस्तों। कच्चे फल को अचार भी बनाते हैं इसका लोग, और पका फल को खाते हैं। और भी इसका कई आइटम जो है आम का बनाया जाता है, जो बाज़ार में बिकता है। दोस्तों यहाँ एक और क्वालिटी का आम है, ये चौसा क्वालिटी का आम है। कौन सा आम है? चौसा। चौसा है सर। चौसा है ये देखिए, ये भी काफ़ी स्वादिष्ट आम है, और पूरा पेड़ में दोस्तों बहुत अच्छा फल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं पूरे पेड़ एकदम फल से लदबद पूरा भरा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत और सुंदर लग रहा है ये। तो दोस्तों आपको मैंने कई क्वालिटी आम का दिखाया, फलों के राजा को दिखाया। तो दोस्तों आप अगर मेरे वीडियो में पहली बार आप आए हुए हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने काम में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।